बैक टू माई चैनल साइबा क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये छोटे से कपड़े का रीयूज कर पेंसिल पॉच किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं ओनली 5 मिनट्स में आप उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था सभी को कट कर लिया है और 2 पीस हम लोगों को स्क्वायर पीस निकाल लेना है। आप लोगों के पास अगर कुर्ती वगैरह का कपड़ा है तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर सूट से बचा हुआ कपड़ा कॉटन का है तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसकी लंबाई 9 इंचेस है और इसकी चौड़ाई 6.5 इंचेस। इसी के नाप से हम लोगों को राइस बैग और लाइनिंग कट कर लेना है। साइड से जो ये पीस बचा था इससे 5.5 इंच और लंबाई और 1.5 इंच का चौड़ाई हम लोगों को एक पीस कट कर लेना है लूप बनाने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसी के नाप से राइस बैग और लाइनिंग कट कर लिया है। नीचे लाइनिंग, बीच में राइस बैग, ऊपर मेन फैब्रिक रखना है और बीच में देखिए एक वॉल पिन सेट कर लेंगे ताकि अगर जॉर्जेट वगैरह का कपड़ा है तो फिर वो ससरे ना स्टिचिंग करते वक्त, और चारों कॉर्नर में इसको स्टिचिंग कर लेना है। मैं हर स्टेप दिखा देती हूँ ताकि अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखकर बना रहे हैं तो आसानी से बना सके। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से ही आप लोगों को चारों कॉर्नर में स्टिचिंग कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा सभी को कट कर इस दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। फिर 2 इंच की दूरी में निशान लगा लेंगे। देखिए जैसा दिखा रही हूँ मैं, फिर 2 इंच की दूरी में एक और निशान लगाएंगे और स्ट्रेट में इसको सिल लेंगे ताकि हम लोगों ने जो राइस बैग का यूज़ किया है वो अपनी जगह सेट हो सके। फिर देखिए तिरछे में भी इस तरीके से हम लोगों को 2-2 इंच की दूरी में स्ट्रेट में सिल लेंगे। तो ये चरकोर वाला हम लोगों का क्विल्टिंग कर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो किसी और डिज़ाइन का भी क्विल्टिंग कर सकते हैं। दूसरे पीस को भी वैसे ही कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक जिप लिया है, इसी के नाप से जिप को उल्टा रखना है और स्ट्रेट में स्टिचिंग कर लेना है। देखिए अब जिप स्टिचिंग हो चुका है। अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि जो रनर है वो जब हम लोग ओपन करें जिप को तो वो रनर उसमें फंसे ना। दूसरे पीस को भी मैंने इसी तरीके से ही तैयार कर लिया है। इसके ऊपर भी देखिए उल्टा रखते हुए स्ट्रेट में सिल लिया जिप को और इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये टॉप स्टिच लग चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने 1.5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा एक पीस कट कर रखा था इसको डबल फोल्ड कर स्ट्रेट में सिल लेंगे तो ये लूप बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को सबसे पहले सिल लेना है। दोनों साइड वाले पार्ट को वैसे ही ओपन रहने देना है और नीचे वाले पार्ट को स्ट्रेट में सिल लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा है सबको कट कर लेंगे। और ये जो नीचे की तरफ जोड़ लगाया है देखिए इसको इस तरीके से तिरछे में पकड़ेंगे और जोड़ के बीच में हम लोगों को जिप को रखना है। देखिए इस तरीके से जिप को रखा और इस तरीके से इसको तिरछे में सिलेंगे। जहाँ से शुरुआत किया सिलने का वहाँ अच्छी तरीके से टाका लगा लेंगे और जिप के बीच में ये लूप को रख देंगे। देखिए इस तरीके से, और जिप के दोनों मुँह को बराबर पकड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए अच्छी तरीके से टाका लगाते हुए स्ट्रेट में सिल लेंगे। नीचे की तरफ भी टाका लगा कर निकाल लेंगे। अब एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ही सिल लेना है, अच्छी तरीके से टाँका लगाते हुए सिलना है। देखिए यहाँ पर ये दूसरी साइड भी स्टिचिंग हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछे में पकड़ना है और 1 इंच में निशान लगाना है। पहले हम लोगों ने कटिंग नहीं किया। अगर आप लोग पहले कटिंग कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो हम लोगों ने सिल्क कपड़े का यूज़ किया था वो अगर कटिंग कर सिलेंगे तो फिर वो अंदर की तरफ उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है, वो ज़्यादातर खुल जाता है। देखिए पहले हम लोग इस तरीके से 1 इंच में निशान लगाएंगे और स्टिचिंग कर लेंगे चारों कॉर्नर में। उसके बाद फिर जब स्टिचिंग हो जाएगा फिर कटिंग करेंगे। 2 साइड में मैंने सिल लिया। तीसरे वाले साइड में भी इसी तरीके से 1 इंच की दूरी में स्ट्रेट में सिल लेंगे और एक और कॉर्नर है वहाँ पर भी इस तरीके से तिरछे में पकड़ेंगे और 1 इंच की दूरी में सिल लेंगे। अब चारों कॉर्नर को कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छा आता है, कोई भी आप लोगों का कपड़ा छूटेगा नहीं। तीनों पार्ट हम लोगों का अच्छे तरीके से स्टिचिंग होगा। राइस बैग, लाइनिंग और मेन फैब्रिक सभी स्टिचिंग हो जाएगा एक साथ में ही। अब देखिए यहाँ से मैं ओपन कर भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरीके से आया है। सभी कॉर्नर को अच्छे तरीके से निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसमें कुछ सामान रखकर भी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर कलर पेंसिल वगैरह का यूज़ किया है। आप लोग इसमें पेंसिल कलर कुछ भी रख सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी कि आप लोग किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, या फिर चाहें तो मेकअप पॉच के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इतना सारा कलर रखा है फिर भी इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा बचता है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। हम लोगों की YouTube फैमिली 500 तक का पहुंचने ही वाली है तो जल्द से जल्द YouTube फैमिली को 500 तक का पहुंचा दीजिए। मैंने इतना सारा सामान रखा, अभी भी इसमें स्पेस है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉच।